बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हम 1.3 इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि हमने ग्राफ करना है, ठीक है। ग्राफ द फॉलोइंग, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है, उनको हमने ग्राफ करना है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसके 8 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं पहला पार्ट पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 2 + 3 iota, और 2 + 3 iota में आप देखें कि 2 जो है वो रियल नंबर, रियल पार्ट है, ठीक है। 2 इसमें ये रियल पार्ट है और 3 iota जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब ग्राफ कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ये हम थोड़ा पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो अब हम इसको ग्राफ करते हैं। इसके लिए एक तो ये है कि आपको जी प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे कहा जाता है वो आपको ड्रॉ करना होगा पहले। चले हम पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जी एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस या रियल एक्सिस आप इसे कह सकते हैं। चलिए मैं इसका नाम रियल रख देता हूँ। उससे पहले मैं इसको जो है स्ट्रेट कर लूँ ताकि हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बेहतर हमें नज़र आए। इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब यानी कि स्ट्रेट लाइंस बन चुकी हैं। दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने बनाई हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हम रख लेते हैं रियल लाइन, रियल, ठीक है। और उसके बाद जो वर्टिकल आपको लाइन नज़र आ रही है उसको आप जी प्लेन, जी एक्सिस कह लें, ठीक है। तो या फिर रियल लाइन को आप एक्स भी कह सकते हैं। एक्स, अगर ये एक्स है तो ये एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। आपको पता है कि ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं तो नेगेटिव एक्सिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूं। और हॉरिजॉन्टल जो ओरिजिन से आप अपवर्ड जाएं तो पॉजिटिव जी एक्सिस होता है, और डाउनवर्ड जाएं तो नेगेटिव जी एक्सिस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव जी एक्सिस लिखूंगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन चुकी है। अब इसमें हमने हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 iota उसको हमने ग्राफ करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखें कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिख लें, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या होती है, कि पहले रियल नंबर, ठीक है, रियल पार्ट, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट 3 iota, iota के अलावा आप लिख लें, ठीक है, जो 3 मौजूद है, और उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो चुका है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में। अब हम इसको जो है प्लॉट करना हमारे लिए आसानी होगी कि आप ये पहला जो है 2 वो रियल है और उसके बाद 3 जो है वो इमेजिनरी है, यानी कि 2 रियल लाइन यानी कि एक्स लाइन पे आएगा और 3 जो है वो जी पे आएगा, जी एक्सिस पे आएगा, ठीक है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर। तो चलिए हम इसको प्लॉट करते हैं। उससे पहले मैं इसको जो है नंबरिंग कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस को भी और जी एक्सिस को भी। यहाँ पर अगर 1 है नेक्स्ट में उतनी ही डिस्टेंस रख के 2 हो जाएगा और 3, 4 and 5, ठीक है। इसी तरह से अब पॉजिटिव को भी मैं कर लेता हूँ, जी एक्सिस के ऊपर नंबरिंग कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 and 5, 4, ठीक है। चलें अब ये क्योंकि दोनों रियल और इमेजिनरी इस केस में पॉजिटिव हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी पे मैं जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस ये चाहिए होगा। चलें अब इसको प्लॉट करते हैं कि 2 यूनिट डिस्टेंस जो है वो हमने एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। तो यहाँ से आप देखें ओरिजिन से मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है ना, तो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2, मतलब कि ये हमारे पास जो है रियल पार्ट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, रियल पार्ट का डिस्टेंस ये है 2, ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे। इसी तरह से आप जो है 3 आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट है, आप जी एक्सिस पे जाएंगे इमेजिनरी लाइन के ऊपर, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अपवर्ड हम 3 यूनिट्स जाएंगे, 1, 2 and 3, यहाँ पर आकर हमारे पास
थ्री का डिस्टेंस बनता है इमेजिनरी एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा अब हम ऐसा करेंगे कि जो जो हमारे पास एक्सिस हैं और जिन पे हमारे पास पॉइंट्स आए हुए हैं उनके परपेंडिकुलर हम चलेंगे, मतलब कि ये जी एक्सिस है आपको नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपको ये पॉइंट थ्री नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जी एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ओरिजिनेट कहाँ से करूँगा उस लाइन को, थ्री से, यानी कि जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो चलें ये आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है जी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा रियल एक्सिस के ऊपर देख सकते हैं एक पॉइंट मैंने जो है ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अब हम मैंने क्या करना है कि इस रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा और ओरिजिनेट यहाँ से इसी पॉइंट से करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं मीट कर रही हैं यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमारे पास बनता है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, 2+3i या अगर 2.3 आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, 2+3i। ये हमारे पास जो है यानी कि ग्राफ आ चुका है या हमने प्लॉट कर लिया इस पॉइंट के जो हमने इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया, चलें हम ऐसा करते हैं कि बाकी कुछ पार्ट्स भी इसके इसी यानी कि प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें कहा गया है 2-3i जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपने प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन तो हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको भी हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि 2, -3 ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से पहले मैं बाकी एक्सेस भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये -1, -2, -3 एंड -4 इसी तरह से डाउनवर्ड आएंगे तो जी एक्सिस के ऊपर -1, -2 एंड -3 एंड -4, ठीक है। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड -4। अच्छा अब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे 2, -3 को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चलिए हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं। अच्छा अब 2 हमने जाना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। 2 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना है 1, 2, यानी कि सेम वही पॉइंट बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ग्रे कलर से ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद -3 है यानी कि इमेजिनरी जो इसका पार्ट है वो क्या है, -3, यानी कि इमेजिनरी लाइन जिसे हम जी एक्सिस कहते हैं उसके ऊपर हमने -3 का डिस्टेंस यानी कि डाउनवर्ड हम 3 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करेंगे, 1, 2 एंड 3। ये -3 आपको नज़र आ रहा है जी एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जी एक्सिस के परपेंडिकुलर पहले मैं जाता हूँ इस तरह से, इस पॉइंट से मैं ओरिजिनेट करूँगा इस लाइन को और यहाँ पर इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं जो पहले मैंने रियल एक्सिस के ऊपर पॉइंट ड्रॉ किया था, ठीक है, ये 2 का, उसे भी मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास जो है 2 परपेंडिकुलर लाइंस आ गई। अब हम वो पॉइंट देख लेंगे कि जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट ये बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, यानी कि जो हमें नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3i, ठीक है, या 2, 3 आप -3 कह सकते हैं। तो ये हमने प्लॉट कर लिया हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आपने जो है वो कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही समझना था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाकी पार्ट्स आप कवर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और किसका फाइंड करना है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है,
ठीक है, पहला पार्ट जिस तरह से इसके भी जो है चार पार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं पहला पार्ट पहले सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है -3i और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हम पहले देख भी चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है कि अगर मैं इसको जी जो है सपोज कर लूँ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कहता हूँ लेट जी इज इक्वल टू -3i। ठीक है, यानी कि जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने जी के इक्वल मैंने सपोज कर लिया। अच्छा, अब क्या है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, उसका क्या मतलब है कि z इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो z इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, z इन्वर्स इक्वल होता है 1 ओवर z के इक्वल। ठीक है, और 1 ओवर z किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर z की वैल्यू क्या है, z हमने जिसके इक्वल सपोज किया है वो है -3i। ठीक है, तो यहाँ पर -3i ये बन गया। अब हमने जो है -3i हमारे पास आ चुका है अगर, ठीक है, z इन्वर्स हम कह लें कि z इन्वर्स इक्वल है 1 ओवर -3i के, तो डिनोमिनेटर में आपको पता है हम आयोटा को नहीं रहने देते। ठीक है, किसी तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि हम कॉन्जुगेट से, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं पूरे नंबर को। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या कॉन्जुगेट होगा इसका। ठीक है, इसमें रियल पार्ट जो है वो जीरो है तो वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, अगर जीरो ना भी हो तो तब भी एज इट इज़ रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साइन को आप ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट है 3i, और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे 3i से। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो z इनवर्स इक्वल आ जाएगा 3i into 1, यानी कि मैं न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3i into 1 इज 3i, डिवाइडेड बाय, अब -3i मल्टीप्लाई जब होगा 3i के साथ तो क्या होगा, माइनस, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, पहले तो मैं साइंस को लहदा करूँ, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 into 3 इज 9 और iota into iota इज iota square, मतलब के -3i को जब आप +3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में -9i² आएगा, और आयोटा स्क्वेयर अभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में है जबकि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे थे, तो अब बिल्कुल आगे नेक्स्ट स्टेप में ये ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा कि हमारे पास आयोटा स्क्वेयर है, ठीक है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे मजीद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 3i डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस और -1 आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये +9 बचेगा। ठीक है, और z इनवर्स फिर इक्वल आ जाएगा, ये इससे 3 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा डिवाइडेड बाय 3, अब नीचे रियल नंबर है तो अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, आयोटा नहीं होना चाहिए था, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए था, तो रियल नंबर है तो इससे कोई मसला नहीं है, मतलब कि इमेजिनरी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया जो कि है आयोटा डिवाइडेड बाय 3, तो यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड पार्ट हम अब करते हैं, ये तो था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं, एक और इंतहाई आसान तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, चलें अब हम उस मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमें जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है 1 -2i, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसको भी मैं पहले सपोज कर लेता हूँ, लेट जी इज इक्वल टू 1 -2i, और अब हमने फाइंड क्या करना है, जी इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसका एक फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या फार्मूला था वो, अगर तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं तो इससे हमें समझना आसान हो जाएगा। चले मैं पहले जो है फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि फार्मूले से आपको समझ आए कि हमें चाहिए क्या क्या फार्मूला में। तो z इनवर्स इक्वल होता है a ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा -b ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सिंपल सा फार्मूला है
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। तो अब हम यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। ए जो है, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर बी क्या होगा, बी इज इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहां से आप जो आपके पास गिवन जो है नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से आप देख सकते हैं रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इस जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो चलें, अब हम ए और बी की वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल है, वन, और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस टू के इक्वल है। तो चलें अब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को हमारे गिवन, यानी कि ये जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है उसमें हम ए और बी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये बने जाएगा वन ओवर वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि माइनस टू का स्क्वेयर कॉमा माइनस बी। माइनस बी मतलब के माइनस तो ये हो गया, और बी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि इस माइनस के साथ हम कंफ्यूज ना करें इसको, ठीक है। तो ए स्क्वेयर जो है वन का स्क्वेयर प्लस माइनस टू का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस फोर कॉमा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर। तो जी इनवर्स का फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है वन ओवर फाइव कॉमा टू ओवर फाइव। या फिर आप इसको जो है ऑर्डर्ड पेयर के अलावा भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह से लिखें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके, वन ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर टू में। अब हम बाकी पार्ट जो हैं इसके आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। दो पार्ट्स मजीद रह गए हैं तो बहुत ही आसान है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही गिवन है, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलें हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। पहला पार्ट जो है उसमें हमें माइनस थ्री आयोटा जो है, ठीक है, वो गिवन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि नहीं, हमें आयोटा पावर, पहले पार्ट में आयोटा की पावर 101, ये हमें गिवन है। इसमें से हमने जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि हम ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं 1.2 एक्सरसाइज में। तो क्या हम ऐसे इसमें क्या किया करते हैं, सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, सिंप्लीफाई देखें इस तरह से करते हैं कि आयोटा की जो भी पावर है उसको आपने आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में ले आना है, ठीक है। मतलब कि 101 बन रही है ना ये पावर, तो मैं आयोटा स्क्वेयर की क्या पावर लिखूं कि 101 या 101 से एक लेस आए, ठीक है। अगर मैं देखें आयोटा स्क्वेयर को, अगर 2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करूं तो आयोटा पावर जो है 100 बन जाती है ना, तो बिल्कुल ठीक बन गया। मतलब कि 101 से एक लेस है, एग्जैक्टली 101 तो नहीं बन सकती क्योंकि 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं होता। इवन अगर पावर होती तो हम एग्जैक्टली जो है आयोटा स्क्वेयर की पावर बना लेते, ठीक है। तो ये चलें एक कम है तो उसके साथ हम आयोटा पावर 1 साथ में लिख लेते हैं। तो ये जो है इसको अगर दोबारा से आप सिंप्लीफाई करें, मतलब कि ज्वाइन करें पावर्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा पावर 101 ही बनता है। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं आयोटा स्क्वेयर के लिए। मतलब कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है -1 है, -1 की पावर 50 इंटू आयोटा।
अब माइनस वन यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर जो है इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि आप पावर इसमें देख रहे हैं 50 है, 50 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस वन हो जाएगा, और उसके साथ आयोटा मौजूद है तो आयोटा एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, तो ये प्लस वन इंटू आयोटा रिजल्ट देगा प्लस आयोटा का। मतलब कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आयोटा पावर 101 को सिंप्लीफाई हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट आयोटा आया। इसका पार्ट नंबर 3 जो है मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ताकि उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें गिवन है आयोटा पावर -3। ओहो ये क्या हो गया, अब तो हमारे पास नेगेटिव पावर आ गई है, तो नेगेटिव पावर को किस तरह से डील करना है ये भी हम देख लेते हैं। चलें सबसे पहले नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव ये कैसे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि आयोटा पावर 3 बना लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 1/i² × i, तो आयोटा क्यूब ही बनता है ना, तो आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आ जाएगा और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/-i, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -1/i, या आप 1/-i ये रहने दें अगर तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखें डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं देंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है या इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से किस तरह से रिमूव करते हैं कि आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप, मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी आयोटा से करूँगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आयोटा से किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा इंटू वन इज़ आयोटा और -iota × i इज -iota² और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट में iota/1 आ गया, यानी कि जो कि इक्वल होता है आयोटा के। मतलब हम कह सकते हैं कि iota/-3 इज इक्वल टू आयोटा, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए तो उसमें आपको मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।